मैं एक बार और स्पॉट पे इसी के साथ हमने भाषा बोली अलग अलग है फिर भी सबका है सम्मान पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारा एक है हिंदुस्तान इसी चीज बहुत अच्छे आर्टिस्ट है और इनके स्वागत करेंगे ममता जी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल तिरंगा शुभ नामे जागे सर्व शुभ आशीष मांगे
माता की जय। भक्तों उपस्थित इस जो आज जो गाना लॉन्च हुआ है नमस्ते इंडिया, जिसके सब कुछ और फिल्म जगत से जुड़े हुए और बिहार की ऐसी मिट्टी से निकले हुए, बिहार के औरंगाबाद जिले से अगर गांव की मिट्टी की खुशबू की बात करेंगे तो ऐसे हमारे विजय भारद्वाज जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि इनका जो थीम है। देखिए नमस्ते इंडिया एक ऐसी पैट्रियट सॉन्ग है जो 16 भाषा में हमारे इस सॉन्ग के जो प्रोड्यूसर हैं विजय भारद्वाज जी ने इसको लॉन्च किया है, और मैं इनको सबसे पहले तो इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पे जो लॉन्चिंग हुआ और आज जिस तरह से पूरे भारत में पूरे देश में एक माहौल बना है भारतीयता इंडिपेंडेंस डे के बारे में, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही कामना करता हूँ कि सभी लोगों से अपील भी करता हूँ कि इस नमस्ते इंडिया के गाने को देखें और इस गाने से सीखे भी कि कैसे एक लड़का जो बिहार के औरंगाबाद जिले से निकल के जो बिहार की मिट्टी और खुशबू को पूरे भारत में बिखेरने के लिए तैयार हैं, आप इस मिट्टी खुशबू का इस गाने को देख के आनंद लें। सर इस गाने के बारे में इससे पहले भी बहुत सारे गाने आए हैं और जैसे आज नमस्ते इंडिया गाना पेट्रोटिक गाना ये भी लॉन्च किया गया है और जैसा माहौल है देश में भी धारा हटाई गई है, क्या कहेंगे देशवासियों को? एक बहुत बड़ा मतलब कि जश्न है देशवासियों के लिए, लेकिन कुछ नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं उनको लगता है कि शायद जैसा कि दिक्कत पाकिस्तान को हो रहा है वैसी दिक्कत उन्हें हो रही है। देखिए जिन लोगों को दिक्कत हो रही है तो उनका भी एक कारण है, 70 साल में जिन्होंने इस धारा 370 के नाम पे सिर्फ अपने आप को बढ़ाया है, अपने परिवार को बढ़ाया है, जैसे JNK में 2 परिवार ऐसा थी कि जो भी भारत से जो पैसे देश से जो पैसे जाते थे जम्मू का कश्मीर के गवर्नमेंट को वो अपने अनुसार यूटिलाइज करते थे, वहाँ पे एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट भी वही ले सकता था जो उस परिवार से रिलेटेड है। तो जिसका कुछ डूब रहा है, जिसका भविष्य खतरे में दिख रहा है, जिन्होंने विकास के नाम पे काम नहीं किया, इस धारा को डरा के और लोगों को संरक्षण में काम किया, तो उन लोगों को तो डरना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे कुछ ही लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। आज देखिए 3 दिन हो गया जम्मू कश्मीर की में कितनी शांति है, वहाँ के लोग खुश हैं क्योंकि अब बहुत सारी फैसिलिटी मिलने वाला है। आप वहाँ के आपको आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में आरक्षण लागू था लेकिन वहाँ कोई आरक्षण नहीं था, जो हमारे OBC के भाई बंधु थे, SC ST के भाई बंधु थे, वहाँ पहाड़ों में जो आदिवासी और जो जनजाति लोग रह रहे थे उनको आरक्षण की कोई सुविधा नहीं थी। वहाँ की बेटियाँ के लिए देखे कि वहाँ की बेटी भारत के किसी राज्य में शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर शादी करते तो उनकी सदस्यता खत्म होती, लेकिन वही बेटी अगर पाकिस्तान के लड़के से शादी करते तो उस लड़के को भी सदस्यता मिलता और इनको भी सदस्यता स्थापित रहता। अच्छा सर क्या संदेश रहेगा, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बखूबी तैयारियां चल रही हैं? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो कि उस चुनाव को ध्यान में रख के, भारतीय जनता पार्टी का काम देश हित में जो जब भी लेना होता है लेती है। अब जनता इस पर डिसाइड करती है कि विधानसभा हो या लोकसभा, देखिए आपने लोकसभा में 303 सीट हम लोग भारतीय जनता पार्टी जीत के आए हैं, तो विधानसभा में भी हम लोग अच्छा ही करेंगे क्योंकि हमारी पार्टी का उद्देश्य विकास है, सभी जनता का राजनीति में इक्वल समावेश है, तो विधानसभा में अच्छा ही होगा। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो क्या कहेंगे, आज का जो प्रोग्राम है नमस्ते इंडिया गाना लॉन्च हुआ है, पेट्रोटिक गाने बहुत ज़्यादा लॉन्च हुए, लेकिन क्या खासियत है इस गाने? देखो ये खासियत ऐसा है कि एक तो देशभक्ति गाना है, इसमें जो हमारे विजय भारद्वाज जी ने इसमें जो चुना है, जो एक तो 16 भाषाएं और 16 राज्यों का जो मिश्रण किया हुआ है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश भी देते हैं। अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की भी 16 रानियां थीं, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे विजय भारद्वाज जी उससे प्रेरित हैं कि वो रानियों से मतलब नहीं था, 16 कलाएँ थी एक्चुअल में, जो कि हर एक चीज़ को नेशन के बनाने में भगवान श्री कृष्ण भी एक देशभक्ति, अगर देखा जाए महाभारत भी देखा जाए तो एक देशभक्ति से उसकी तुलना की जाती है। तो इसका जो मिश्रण और प्रयोग किया गया है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है,
और 15 अगस्त जैसे आने वाला है, नज़दीक है, इस पे हमें लगता है कि ये गाना पूरे हमारे देश के जितने भी नौजवान हैं, जैसे कि 65% आबादी आज हमारी नौयुवक की है, शायद इस गाने से प्रेरणा भी लेंगे और देश के लिए आगे बढ़ेंगे। विजय भारद्वाज जी के बारे में क्या कहना है? विजय भारद्वाज जी, जैसे आपने देखा है कि गाँव से निकल के आए हुए हैं, इन्होंने जितनी मेहनत किया होगा उतना ही कम कहा जाए कि जिस तरीके से इनकी अगर जीवन परिचय को भी देखा जाए, और इन्होंने जो सामाजिक काम किया है, जैसे बहुत सारे लोग बता भी रहे थे कि इन्होंने पैसे के लिए नहीं सामाजिकता के लिए काम किया हुआ है, इन्होंने बहुत सारे जो अनाथ बच्चे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में किया हुआ है, तो इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, इनका उद्देश्य है कि देश के जो बच्चे हैं उनका भविष्य किस तरीके से उज्ज्वल किया जाए, इस तरीके से बात। बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला। विजय भारद्वाज जी जो गीत लेकर आए हैं राष्ट्रभक्ति की, ये देश की विविधता को बताता है, और हम उम्मीद करते हैं कि युवाओं के हृदय में ये गीत समाएगा और जो नई राष्ट्र चेतना का जागरण हुआ है उसको और आगे बढ़ाएगा। मैं आज बहुत खुश हूँ कि विजय भारद्वाज का ये गाना नमस्ते इंडिया लॉन्च हुआ है आज, और ऐसे मौके पे हुआ जब हमारे मोदी जी ने हमारे कश्मीर का तोहफा दिया। और इस गाने की जितनी तारीफ करूँ उतना कम है कि 16 भाषाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया, 16 स्टेटों पे जाके शूटिंग करी, और मैं सतमुला की तरफ से बहुत खुश हूँ कि मैं इस गाने का हिस्सा हूँ, इस गाने में जुड़ा, कंपनी जुड़ी, और आगे भी विजय जी जो भी प्रोग्राम करेंगे उसके साथ हम लोग जुड़ते रहेंगे हमेशा। आई एम रिचि चौधरी, मैं सुपर मॉडल ग्लोब इंडिया 2019 रिसेंटली मैंने एक शो विन किया था जो कि जयपुर में हुआ था, सुपर मॉडल ग्लोब। सो आई एम वेरी हैप्पी टू ग्लैड कि ये जो सॉन्ग लॉन्च हुआ है इसमें मुझे बुलाया है सर ने। सो ये 16 लैंग्वेजेस को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है इंडिया में कि कोई ऐसा सॉन्ग आया हो जिसमें हमने 16 लैंग्वेजेस को शो कराया हो। तो एक 16 लैंग्वेजेस का सॉन्ग है जिसने विजय भारद्वाज जी ने इसको लॉन्च किया है, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे मॉडलिंग फील्ड से हटकर उन्होंने मुझे एक इंडिया के कल्चर को दिखाने के लिए यहाँ पे बुलाया। कितना अच्छा लगता है जब पेट्रियोटिक फील्ड में जुड़ते हैं और देशभक्ति के लिए, और जब ऐसे काम होते हैं और आप जैसे लोग जब इनसे जुड़ते हैं तो कितना अच्छा फील होता है और समाज के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं अपने फील्ड में जब रहती हूँ वहाँ पे तो एक अलग ही कल्चर होता है, और यहाँ पे मैंने 16 कंट्रीज का कल्चर देखा। इस सॉन्ग में प्रेजेंट किया गया 16 कल्चर देखे मैंने, तो हमारा फील्ड अलग है। जब हम ऐसे फील्ड में आते हैं ना तो हमें एक वो फीलिंग्स आती हैं जस्ट लाइक हम कि सोशल वर्क कर रहे हैं, हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वो फील्ड है जिसमें हम सोशल वर्क नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं, इधर हमें फील होता है कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। मैं नाम विजय भारद्वाज है, और कला संस्कृति के माध्यम से मैंने पिछले 20 साल से काम करते आ रहा हूँ, और कई सारे मूवी, हिंदी पिक्चर, फिल्म, टीवी सीरियल, रियलिटी शोज बनाया, और हर सब में ये हमारा उद्देश्य होता है कि देश प्रथम है, माँ भारती प्रथम है। तो जो गाना नमस्ते इंडिया बनाया है, इसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ है, ये गाना ऐसा गाना है जो हिंदुस्तान में पहली बार बना है, 16 भाषा को रिप्रेजेंट किए, 16 कल्चर को रिप्रेजेंट किए, और इस गाना के अंदर ऑर्फन बच्चों और डिफरेंट मूड बच्चों को भी हमने काम करने का मौका दिया है। तो बहुत अच्छा गाना, गाना देखिए आप। काफ़ी अच्छे समय में ये गाना लॉन्च हुआ है आपका, जिसमें कि स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है और साथ ही कुछ हालात भी बदले हैं देश में, क्या कहेंगे कितना इंपॉर्टेंस है इस समय में इस गाने को लॉन्च करने का, और कितना अलग है ये गाना, क्योंकि पेट्रियोटिक गाने बहुत सारे आए हैं बट क्या डिफरेंट है ये गाना में? 16 कल्चर, 16 लैंग्वेज है जी। हम कोई भी गाना सुनते हैं तो उसमें एक लैंग्वेज को लेके चलते हैं, हम पर देश को 16 स्टेट को एक साथ बांध दिया सिर्फ 3 मिनट के अंदर जी। और इस गाना के मापद पर हिंदुस्तान एक एक झंडा रहेगा, एक हिंदुस्तान है। क्या संदेश रहेगा सर देश की जनता? गाना देखें, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, हम सब भाई भाई, और एक प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता, एक दूसरे से मिलकर सपोर्ट करके आगे बढ़ें, हम माँ भारती के लिए काम करें निस्वार्थ भाव से। मेरा नाम मिथिलेश मिश्रा है, मैं अनमोल बिस्किट से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा यही कहना है कि जो गाना विजय भारद्वाज जी ने बनाया है और इसको आज लॉन्च किया गया है, ये देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है, और ये देशवासियों को सुनना चाहिए इसे, और अंदर से मन में देशभक्ति की भावना आनी चाहिए। क्या एक स्पेशल मैसेज देंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है, देशवासियों को एक संदेश? स्वतंत्रता दिवस तो नज़दीक है जी, लेकिन मैं मानता हूँ कि 5 अगस्त से ही स्वतंत्रता दिवस शुरू हो चुका है, 370 की ओर इशारा है मेरा जी। और असली स्वतंत्रता की बात कहें तो जब पूरे हिंदुस्तान में एक जैसी व्यवस्था लागू हुई है तभी से स्वतंत्रता दिवस का सही मायने आया है। थैंक यू।
बॉलीवुड एक्टर हूँ जी, और यही मेरा परिचय है। और क्या कहेंगे जो गाना नमस्ते इंडिया लॉन्च किया गया है, बॉलीवुड से आप जुड़े हुए हैं, पेट्रोटिक गाने बहुत सारे बने हैं, इस गाने में आपको क्या खास नज़र आ रहा है, क्या कितना अच्छा ये आगे बढ़ेगा? देखिए, ये गाना एक देशभक्ति का है जी, और इसमें बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारे कल्चर और जितने भी हमारे देश के स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। मैंने भी इसमें इस गाने में एक्टिंग की है, बंगाली कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। तो ये गाना इसलिए सबसे अलग है और बहुत अच्छे मौके पर रिलीज हुआ है, इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज हुआ है, तो ये बहुत एक खास चीज है। नमस्ते इंडिया, आज हमारा सॉन्ग रिलीज हुआ है नमस्ते इंडिया, आप लोग जरूर देखिएगा इसको, हम सबकी तरफ से नमस्ते इंडिया। मैं डॉक्टर अशोक शर्मा, मैं वैसे प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ बट एज ए हॉबी मैं एक्टर भी हूँ। आई एम राइटर एसोसिएशन मेंबर मुंबई एंड प्रोड्यूसर एसोसिएशन मुंबई एंड सिंगर आल्सो एट मुंबई। आई प्रोड्यूस 2-3 शॉर्ट मूवीज एंड वर्किंग एज एक्टर इन टू खुशहाली बनी रहे।